हो गया स्टार्ट। नमस्ते भारत, भारत नेक्स्ट 24। और अभी हम आलोक सिंह से बात करेंगे। आयांस एक मुहिम चला हुआ है कि हम लोग को आयांस को बचाना है, इसके लिए आलोक जी से हम बात करेंगे। आज पटना में समझिए कि करोड़ों रुपया खर्च किया गया आरसीपी सिंह के ऊपर बैनर पोस्टर से। नीतीश जी सो गए हैं क्या? नीतीश जी को जागना पड़ेगा। एक तरफ जनता दरबार यहाँ लगा है, जनता की समस्याओं को समाधान नहीं किया जा रहा है। आलोक सर क्या बात है, कुछ बताएगा, कुछ क्या मिला? हम लोग सुबह 10 बजे आए थे, गेट पे जनता दरबार के गेट पे हम लोग गए तो वहाँ अधिकारी लोग थे, प्रशासनिक लोग थे। हम लोग ने बोला कि मिलवा दीजिए मुख्यमंत्री जी से, तो उस समय वो मना कर हेलो तो शायद उनको खबर गई है मुख्यमंत्री जी के पास। उन्होंने लगता है कि शायद अधिकारी लोग को भेजे थे। दो अधिकारी आए थे, एक पटना सिटी मजिस्ट्रेट आए थे और एक एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पटना आए थे। उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस नोट किया है और वो बोले हैं कि आपको शाम तक या कल तक आपको फोन जाएगा और आपको मुख्यमंत्री से मिलने का प्रोग्राम जो है वो बनाया जा रहा है। क्या देखिए तो मुख्यमंत्री जी बुलाएँगे तो हम जाएँगे। अभी आयन क्या तभी तक ठीक नहीं, ठीक तो नहीं। कितना तक मान लीजिए सवा 6 करोड़ लगभग सहयोग राशि जनता के द्वारा आज सुबह तक प्राप्त होगा। स्वास्थ्य मंत्री सर क्या कह रहे हैं, उनके पास गेंद वो क्या वो सुनने में आ रहा था कि वो बोले थे कि हम कुछ मदद करेंगे 12 लाख के लमसम में, क्या वो सपोर्ट अभी तक किए कि नहीं किए? नहीं, वो अभी तक तो हम लोग को मिला नहीं है, मगर 16 करोड़ में 12 लाख का कितना सपोर्ट होगा आप समझ? अभी तक नहीं सपोर्ट नहीं मिला नहीं। आप साफ देखिए आलोक सिंह से बात हुई, आयंस के पापा हुए, इन्होंने सीधा बताया कि टाइम दिया जा रहा है, नीतीश जी आपको जागना पड़ेगा। एक तरफ करोड़ों करोड़ रुपया लगा करके बैनर और पोस्टर से कैसा लग, कितना मत सहायता किया गया अभी? सर अभी कोई सहायता नहीं किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कुछ नहीं हो पा रहा ना? उन्होंने कल बुलाया है सर हमें। ओके हाँ, उनके अधिकारी आए, वो बोले कि कल आपको मिलने आना है, ऐसा करके बोला। आश्वासन दिया गया है कल मिलेंगे। जी।